क्या आपके मैट्रिक में 36% है? क्या इंटरमीडिएट में आपके 3 पेपर रुके हुए? क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में 6 साल का गैप है? क्या आपने आइल्स नहीं किया हुआ, या आप करना ही नहीं चाहते, या आप कर ही नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको ऑस्ट्रेलिया आना है? तो जवाब है यस, आप आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। बस आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए और आपको कौन बुलाएगा? हम बुलाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अभी मोबाइल उठाएं और हमें कॉल करें 0900 420 420। सी यू इन ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? डन बेस वीज़ा, ये एक टर्म यूज़ होती है हमारी इस इमिग्रेशन और वीज़ा की इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या बला है, ये राज हम पे आया हुआ कुछ अरसे पहले जब एक स्टूडेंट ने हमसे अपॉइंटमेंट रखा। अच्छा जी, स्टूडेंट का प्रोफाइल क्या था? स्टूडेंट का प्रोफाइल ये था कि भाई उनके इंटरमीडिएट में 36% थी, उसके बाद कोई 4-5 साल का गैप था और आइट्स उन्होंने नहीं किया हुआ था, या वो करना नहीं चाहते थे, या वो कर नहीं सकते थे। तो वो हमारे पास है, उन्होंने कहा भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया करवा दो। मैंने कहा माइट, पहले तो आपको इंटरमीडिएट रिपीट करना होगा, रिपीट करें, परसेंटेज सही लेके आए, फिर आपको आइल्स देना होगा, और ये जो गैप में क्या किया तो बताएं। कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा आपका। कह रहा है यार आप एक काम करें, पैसे ले लें, करवा दें। मैंने कहा भाई नहीं करवा सकते। कह रहा है भाई मेरे गांव में तो फला कंसल्टेंट है, वो कह रहा है हो जाएगा, लेकिन मैं उससे करवाना नहीं चाह रहा, आप उसको देखते हैं भरोसा। मैंने कहा भाई कैसे करवा देगा? कह रहा है यार वो बड़ा शोर था। मैंने कहा जाओ एक काम करो, जाओ जाके पता करो। वो गया कंसल्टेंट ने उसको कहा कि भाई आपसे हम लेंगे 30 लाख रुपये, और पैसे पहले भी नहीं लेंगे, पैसे हम लेंगे वीज़ा आने के बाद, आप बस केस स्टार्ट करवा दो। अब वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई आई एम 99% श्योर तुम्हारा नहीं हो सकता, इस प्रोफाइल के ऊपर तुम्हारा स्टूडेंट वीज़ा नहीं हो सकता। फिर भी अगर वो कह रहा है पैसे बाद में देने, तो जब वीज़ा आ जाए ना, वीज़ा हमें चेक कराना, हम एक बार देखेंगे, वीवो चेक करेंगे, अगर वाकई वीज़ा सही है तो फिर देना पैसे। तो अच्छा जी, तो उसने कहा भाई इसको कहते हैं डन बेस वीज़ा, कि भाई अगर वीज़ा आएगा तो पैसे देंगे 30 लाख रुपये। अच्छा जी, खैर कट शॉर्ट करता हूँ। वो स्टूडेंट आ गया ऑस्ट्रेलिया, और आया भी ऑस्ट्रेलिया की टॉप नोश यूनिवर्सिटी के अंदर, और मास्टर्स में आया। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा मास्टर्स में कैसे आ रहा है? इसने तो इंटर किया था, 5 साल का इसका गैप बन रहा था, कैसे आ गया ये? मैं कहानी शॉर्ट करता हूँ, पीछे का मैकेनिज्म बताता हूँ हुआ क्या था। उन एजेंट साहब ने उनका नया मैट्रिक बनाया, नया इंटरमीडिएट बनाया, और साथ में उसको इंजीनियरिंग भी करवा दी, उसकी BE लगा दी, और उसको ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजर इन रोबोटिक्स के अंदर भेज दिया। अल्लाह माफ़ करे, उस बच्चे की शक्ल नहीं थी, फिर भी उसको उसमें भेज दिया। मैं उससे बोला, मैंने कहा बेटा ये तुम कैसे पढ़ोगे? कह रहा पता नहीं, देखते हैं। अच्छा जी, एजेंट ने उसको ये बताया ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, और बस हम आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या करना है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म बताते हैं। स्टूडेंट पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, एजेंट ने यूनिवर्सिटी को ईमेल डाली ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट कि मेरे फादर का इंतकाल हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, ये मेरा रिटर्न टिकट है, मुझे फ़ीस वापस करो। अगले दिन ही फ़ीस की उन्होंने रिफंड की वो डाल दी कि फ़ीस वापस ले लो। फीस वापस ली एजेंट ने, जो जमा कराई थी पूरी फ़ीस वापस ली, और स्टूडेंट का एडमिशन करा दिया एक डिप्लोमा के कॉलेज के अंदर, यानी कि मास्टर्स से उसको डिप्लोमा डलवा दिया, वीज़ा कंडीशन ब्रीच करवा दी उसकी। अच्छा जी, अब स्टूडेंट तो आ गया, स्टूडेंट कह रहा भाई आई डोंट केयर, मैं तो पहुंच चुका हूं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जो करवाया। लेकिन अब मुझे पीछे की कहानी तो समझें। यूनिवर्सिटी देखेगी ना यार हमारे साथ क्या हुआ है, रिसर्च होती है, पकड़े जाते हैं, यूनिवर्सिटी को ये भी पता चल गया, डिग्रियाँ जाली थी सारी, और उसके बाद ये जो स्टूडेंट ने हमारे साथ किया, और जब स्टूडेंट भागता है ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो उनकी इमिग्रेशन में जो लेवल जो होता है वो गिर जाता है। इमिग्रेशन देखती है कितने स्टूडेंट भाग रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ने सही से वो चेक नहीं की थी, छानबीन नहीं की थी, उनका लेवल गिर गया। यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि फ़लाँ भाई ने इसने ये किया, या फ़लाँ गाँव से या फ़लाँ शहर से लड़का था, वो कहते हैं पाकिस्तानी था। आप गेम समझ रहे हैं? तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझें, इस चीज़ समझिएगा, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी ये चीज़। इसमें होता क्या है, फिर हम कह रहे हैं ना, अभी हम रो रहे हैं कि यार हमारे वीज़ा नहीं लग रहे, 6-6 महीने 8-8 महीने से वीज़ा नहीं आ रहे, उसकी वजह यही है, क्योंकि हमारे ऊपर जो इतनी स्ट्रिक्टनेस हुई उसकी वजह यही है। देखें, मैं कोई हाजी नहीं बन रहा, ठीक है, मुझे पता है मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई लोग आएँ, हम तो यही चाहते हैं, हम तो उस वक्त से चाहते हैं लोग आएँ जब लोग मुहब्बे वतन बने हुए थे और दूसरों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, छप्पर में आइट्स कर रहे होते थे, हम तो उस वक्त लोगों को गाइड करते थे भाई आओ, लेकिन प्लीज़ किसी के ऊपर पैर रखे ना आएँ। आपकी इस हरकत की वजह से ना बाकियों को एडमिशन ही नहीं मिलता, वीज़ा तो दूर की बात, एडमिशन ही नहीं मिलता, और उसके बाद हमारे वीज़ाज में इतनी चेकिंग होती है कि सोच है, जबकि दूसरे ममालिक के भाई 12-12 दिन में वीज़ा आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ खुदा रहा इस तरह की हरकत ना करें। देखें, प्रोफाइल ख़राब है, कोई बात नहीं, प्रोफाइल ख़राब है ना भाई, हम आपको गाइड कर रहे हैं ना, रिपीट कर लो ना, इंटर रिपीट कर लो, दोहरा लो, गैप है तो कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लगाओ, रीज़न दो यार, मेडिकल इशू था, क्या था, वो एक्सेप्ट हो जाता है। और आइल्स से हम क्यों भागते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। यार आप इस मुल्क में आ रहे हैं, अंग्रेज़ी इनकी ज़बान है,
तो आइल्स तो देना ज़रूरी है ना, आपने अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए ना। अब आई गो देयर पुट इन वाली आप इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, आप अपने मुल्क का नाम ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। इससे अच्छा अब कुछ उल्लू के पट्ठे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कुछ उल्लू के पट्ठे आके भी ये बकवास करेंगे कि कुतैबा ना, देखो कुतैबा ने मुल्क को बदनाम कर दिया, ये स्कीम बता दी कि भाई जाली वीज़ाज़ और डन बेस क्या होता है, वो जाली डिग्री और डन बेस वाला सीन क्या होता है, इस वजह से ना हमारे वीज़ा नहीं आ रहे, ये एक तो करते हैं। ओ भाई तुम लोग कुएं के मेंढक को ये बातें ना दुनिया को सदियों से पता हैं, हमारे वीज़ाज़ इसलिए नहीं आ रहे, उनको पता है। मैं रेड हिल एजुकेशन में होता था, ठीक है, AIT की मैनेजिंग कमेटी में था, पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, मैंने लड़ झगड़ के उनसे ख़त्म करवाया, मैंने कहा भाई यार प्लीज़ इसको ख़त्म करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इंटरव्यू लूँगा। मैंने कहा क्यों ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है? कह रहे हैं यार वो आधे से ज़्यादा बच्चे आते हैं, आके भाग जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, उसके बाद ज़्यादातर फाइल जाली आ रही हैं। तो हमने लड़ लड़ के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह मुल्क का नाम सही हो जाए, प्रोफाइल ठीक हो जाए, लेकिन यार तुम लोग वो कर रहे हो। अच्छा हाँ, कुतैबा दुनिया को बता रहे हैं, स्कीम बता रहे हैं कि जाली वो डन बेस वाला सीन क्या होता है और ये जाली डिग्री वाला सीन क्या होता है। वो भाई यूनिवर्सिटीज़ को पता है, जो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है ना इसलिए पता है, यूनिवर्सिटीज़ बेवकूफ़ नहीं है, तुम लोग ही कुएं के मेंढक बने हुए जो समझते हो कि भाई ये जिंदाबाद वाला सीन है, सबको हमारी हालात पता है। तो प्लीज़ जो कहते हैं ना पासपोर्ट ख़राब हुआ है, पासपोर्ट बदनाम है, पासपोर्ट वासपोर्ट बदनाम नहीं है, तुम लोग ने बदनाम किया है, तुम लोग बुरे हो। तो प्लीज़ तुम लोग क्या, हम लोग बुरे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से और जितने भी एजेंट्स ये काम कर रहे हैं डन बेस वाला, कि भाई वो जाली वाली डिग्री विग्री बनाई डलवा दिया, उसके बाद आके उनका चेंज करवा दिया, यार देखो कुछ टाइम बाद बच्चा पकड़ा जाता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उस टाइम पे चेक नहीं करते, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही नहीं, कभी कभी चेक कर पाते, और उसी वजह से अब ऐसा हो गया, एक एक एक्सपीरियंस लेटर चेक हो रहा है, अब एक एक एक्सपीरियंस लेटर के लिए वो बंदा भेज रहे हैं या तो कॉल करके वेबसाइट चेक कर रहे हैं, कई चीज़ चेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह ना करें, ये मेरी आपसे बरादराना गुजारिश है। और अभी बड़ी मुश्किल से वीज़ा जाके खुलें, 6-6 महीने से वीज़ा नहीं आ रहे थे, वो अब जाके खुलें। तो प्लीज़ अगर प्रोफाइल ख़राब है तो भाई ये पूछें इसको मैं सही कैसे कर सकता हूँ, ये ना करें कि किसी भी तरह आड़े टेढ़े जाली रास्ते बना लिए। और अब जिस तरह लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि भाई कोई तरीका निकालें, मैं कह रहा हूँ आपका नहीं हो सकता, यू आर नॉट एलिजिबल, या कोई तरीका निकालें। मोस्ट वल्नरेबल कंडीशन होती है, इसको उर्दू में एक लफ्ज़ होता है जिम के बाद जो आता है, ये मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। यार एजेंट कहाँ से तरीका निकालेगा, इमिग्रेशन में थोड़ी बैठा हुआ है वो। तो आप जब ये करते हैं ना, वो कहता है भाई ये है डेस्परेट, काटो उसको किसी भी तरह वो करो ऐसी की तैसी इसकी। प्लीज़ ये ना करें, सीखें कि भाई, और वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, सारी चीज़ें देखें। एनीवेज तो काफ़ी लंबी हो गई है, आई थिंक दिस इज़ इट, मेरा पॉइंट सिर्फ यही था, ये जो एजेंट्स ये काम कर रहे हैं प्लीज़ इससे बचें। और सॉरी टू से, लेकिन हम ना मोरली इतने करप्ट लोग हैं ना, इतनी करप्ट कौम हो चुकी है कि अभी मेरी इस वीडियो के बाद भी ना बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करेंगे डन बेस वीज़ा वाले कौन लोग करवा रहे हैं, या आपस में पूछेंगे कौन लोग हैं डन बेस पे करवा रहे हैं, कर लो यार निकलो यहाँ से। प्लीज़ देखो आप तो आ जाओगे, लेकिन आपके पीछे वालों का जो हाल होगा, हमसे पहले वालों ने जो हरकतें की है ना, जो जलालत खबासत दिखाई है, जिस मुश्किल से हम आ रहे हैं, हमारे आगे वालों के और रास्ते बंद होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप किसी और का रास्ता बंद करेंगे ना, आप खुश नहीं रहेंगे, आपके दुनिया आखिरत तो आखिरत, आगे की चीज़ें दुनिया में भी तबाह होंगे, यार बात याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आना हर चीज़ नहीं होती है। मुझे पता है वहाँ पे हालात ख़राब है, लेकिन यहाँ पे आके भी ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हो जाती है ना, दो नमिया करने वालों के साथ, कि वो खुश नहीं रहते, रोते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो प्लीज़ ये मेरी गुजारिश थी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।